तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है हेल्थ अवेयरनेस। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कैसे जो है आप अपना बाल झड़ना बिल्कुल बंद कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके बाल झड़ चुके हैं आप उसे वापस से रीग्रो कर सकते हैं, वो भी एकदम नेचुरल वे में। आपको जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए उसके लिए दोस्तों, वो है दिव्य आंवला रसायन। दोस्तों, इसकी MRP जो है वो है 65 रुपीज़। आपको दिव्य आंवला रसायन ही लेना है, आपको आंवला चूर्ण नहीं लेना है। आंवला चूर्ण की जो MRP है वो 30 रुपीज़ है, और इन दोनों में फ़र्क ये है कि दोस्तों, ये सिर्फ आंवला चूर्ण है और साथ ही साथ दोस्तों ये आंवला रसायन में है। दोस्तों, बात ये है, फ़र्क ये है कि इसमें आंवला का चूर्ण तो है ही है, साथ में दोस्तों इसमें जो है आंवला का जो है जूस भी इसमें मिला हुआ है, इसलिए इसका जो कॉस्ट ज़्यादा है और ये ज़्यादा इफेक्टिव है। 65 रुपीज़ का आपको पड़ता है। साथ में आपको दोस्तों दो चीज़ें और लेनी है, वो है दोस्तों एक मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम आपको लेनी है, और दोस्तों इसकी MRP जो है आपको पड़ती है 30 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, और आपको दो सप्तामृत लो लेनी है जिसकी MRP 20 रुपीज़ है। आपको ये दो लेने हैं, आपको सप्तामृत लो 20 ग्राम लेना है और मुक्ता शक्ति भस्म जो है सिर्फ आपको 10 ग्राम लेना है। दोस्तों, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इसे खोलना है और इसमें आपको ये जो भस्म और ये जो सप्तामृत लो और मुक्ता शक्ति भस्म जो है दोस्तों, वो अच्छे से आपको इसमें मिला लेनी है। इसको आप ऐसे मिला लीजिएगा, देखिए जैसे मैं मिला रहा हूँ इसको, पहले आप एक साथ पूरा, चाहो तो आप बॉटल में भी मिला सकते हो या तो आप किसी प्लेट में निकाल के, अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे अच्छे से मिला नहीं पा रहे हो तो आप अलग से भी मिला सकते हो। ऐसे आपको उसमें पूरा डाल देना है, एक और जो पैकेट बचा है उसे भी हम डाल लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि आपको इसे लेना कैसे है। देखिए दोस्तों, ये हमने जो है तीनों को मैंने पूरा जो है इसमें डाल लिया है। आप चाहें तो एक बड़ा सा चम्मच लेके सॉरी दोस्तों, मैं चम्मच नहीं दिख रहा, मेरा चम्मच मैंने कहाँ रख दिया है। हाँ दोस्तों, ये मिल गया चम्मच, सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी होने के लिए। आप ऐसे एक लंबा चम्मच ले सकते हैं, चम्मच से पूरा अच्छे से मिला सकते हैं। इसको अच्छे से ऐसे मिला लीजिएगा पूरा, या फिर आप जो है दोस्तों ढक्कन लगा के भी इसको अच्छे से शेक कर सकते हैं। ढक्कन आप अच्छे से ऐसे लगा दीजिएगा, उसको अच्छे से एक बार शेक कर लीजिएगा, जिससे जो है दोस्तों आपस में जो है पूरी ये जो दवाइयाँ हैं आप उसमें पूरी अच्छे से मिला सके। दोस्तों, आप इसमें एक चीज़ चाहे तो डालना, अगर आपकी इच्छा है तो डाल सकते हैं। आपको आप चाहो तो काली तिल भी इसमें डाल सकते हो, क्योंकि काली तिल जो है दोस्तों बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो अगर आप चाहें तो आप दोस्तों इसमें डाल सकते हैं। आपको अगर काली तिल डालना है तो दोस्तों आप 25 से 50 ग्राम जो है हल्की सी भूंज के उसका पाउडर बना के आप इसमें मिला लीजिएगा, तो दोस्तों आपकी जो है मेडिसिन तैयार हो गई है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे लेना है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर आप काली तिल के साथ भी ले सकते हैं। आपको लेना क्या है, आपको सिर्फ आधा चम्मच या फिर ये इतनी क्वांटिटी आपको जो है दोस्तों वो लेनी है खाने से 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। जब आप दोपहर में खाना खाएंगे दोस्तों, तो खाने के 1 घंटा पहले आप इसे 1 चम्मच खा लीजिएगा। 1 चम्मच मतलब इतना बड़ा चम्मच, अगर आप टीस्पून लेंगे तो आपको आधे का आधा चम्मच लेना है खाने के 1 घंटे पहले। आपको ये 2 टाइम लेना है दोस्तों, आप इसे 2 टाइम लीजिए और आप देखिएगा फ़र्क सिर्फ आपको 15 दिन में ही मिल जाएगा। जो आपके बाल जो झड़ रहे थे वो झड़ना बंद हो जाएंगे, और जो आपके झड़े हुए बाल है दोस्तों वो वापस से उगना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि इसमें आंवला है और इसमें दोस्तों सप्तामृत लो और मुक्ता शक्ति भस्म है, तो दोस्तों ये अगर जैसे आपको अपच की समस्या है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो ये उस वो डिसऑर्डर भी दूर करता है। साथ ही साथ दोस्तों आपके बालों को शाइन भी पहुंचाएगा और आपके आई साइट जो है दोस्तों, क्योंकि इसमें आंवला, हम सबको पता है कि आंवला विटामिन सी है, और आंवला जो है हमारे बालों के लिए और आँखों के लिए दोनों के लिए ही अच्छा होता है, तो दोस्तों ये आपके आई साइट्स को भी इम्प्रूव करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।